अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ पर एक मसला होता है ऑडेसिटी के अंदर, ठीक है। ऑडेसिटी लोगों ने इंस्टॉल किया होता है, लेकिन जब वो इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक मैसेज आता है, ठीक है। ये जो है ना ऑडेसिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ये वाला ऐप मैंने उधर से डाउनलोड किया ऑडेसिटी, ठीक है। जब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ तो ये जो है ना स्टार्ट नहीं होता, और उसमें मैसेज आता है api-ms.win.crt-runtime, ये वाला मैसेज आता है, ठीक है। देख लीजिए, मैं आपके सामने इसको इंस्टॉल करता हूँ। अभी इसका 100% सही मैं आपको हल बताऊँगा, ठीक है। आप लोगों ने वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपका मसला जो है ना हल हो जाए, सही है। मैं अभी इसको इंस्टॉल करता हूँ तो आप देख लेना कि मेरे लैपटॉप पर ये जो है ना बिल्कुल भी इंस्टॉल नहीं होता। इंस्टॉल हो जाता है लेकिन वो फिर जो है ना रन नहीं होता, ओपन नहीं होता, सही है। तो अभी देख लो, ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। इंस्टॉल हो गया तो मैं इसको ऐसे बंद करके टिक करके मैं इसको फिनिश करता हूँ, सही है। तो ये देख लीजिए, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से, ऑडेसिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया था, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाला मैसेज आ जाता है, ठीक है। द प्रोसीजर एंट्री पॉइंट, ठीक है, अबॉर्ड कुड नॉट बी लोकेटेड इन डायनेमिक लिंक, ठीक है। अब ये api-ms-win.crt, ये वाला मसला है, तो इसका हल मैं आपको बता रहा हूँ, सही है। तो हल इसका ये है कि मेरे पास इसका ऑडेसिटी, आपको अब इसको अनइंस्टॉल कर दें, ठीक है। मैं आपको एक और सॉफ्टवेयर का लिंक दूँगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, आपने उसको करना है, सही है। मैं इसको लोकेशन इसको मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ, सही है। तो इसको रिमूव करें, ख़त्म करें इसको, ये रिमूव हो गया, ठीक है। अब ऐसा करेंगे कि मैं एक दूसरा ऐप, ऑडेसिटी का ही ऐप है, ठीक है, लेकिन वो आप मैं वो ऐप आपको दूंगा तो वो जो है ना उसमें एरर फिक्स हुआ होगा, ठीक है। आप बस सिर्फ उसको इंस्टॉल करें और आपका जो है ना ऑडेसिटी रन हो जाएगा, आपका सही काम करेगा, ठीक है। तो डाउनलोड में जाएंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, नहीं कंप्यूटर में चले जाते हैं, ठीक है। उधर लोकल डिस्क में मेरे पास पड़ा है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उधर यूट्यूब के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसके ऑडेसिटी DLL एरर फिक्स्ड, ये सॉफ्टवेयर है ऑडेसिटी का, ठीक है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोगों ने वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो मैं अभी इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, इसको ओपन करता हूँ मैं। और ये भी याद रख लें, ठीक है, अगर आपने ऑडेसिटी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो ये वाला फोल्डर इसी पॉलिस फोल्डर में आपको मिलेगा, ठीक है। और अगर ये फिर आपको ना ओपन करे तो उसके लिए विन रेयर इंस्टॉल करें, ठीक है। विन रेयर इंस्टॉल करेंगे तो ये फिर ओपन हो जाएगा, सही है। उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर है, इसको मैं भी इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है। अभी इंस्टॉल हो जाएगा, सही है। ये नेक्स्ट, अब ये कहता है कि लॉन्च ऑडेसिटी, ऑडेसिटी को लॉन्च करें, मैं कहता हूँ नहीं लॉन्च करना अभी, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो गया, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देख लो ये ओपन हो गया, सही है। वो मसला जो इसमें आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है, ऑडेसिटी का सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पर ओपन हो चुका है। तो कहने का मकसद मेरा यही था कि मैंने लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दूँगा इसका, सही है, वहाँ से आप लोगों ने डाउनलोड करना है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।